जय माता दी। दोस्तों, नशा हमारे जीवन में एक ग्रहण की तरह है। नशे की जब काली छाया हम पर पड़ती है तो हमारा प्रकाश में जीवन अंधकार में होने लग जाता है। काफी प्रयत्न के बावजूद भी हम नशे से बाहर नहीं निकल पाते। आज हम इसी नशे से बाहर निकलने के लिए आपको जो बता रहे हैं, यदि वह विधि अनुसार कर लेते हैं तो दोस्तों नशा आपके जीवन में प्रवेश नहीं करेगा। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में नशे की मांग होती कहां से है। क्या हमारा शरीर नशे की मांग करता है? हर 5 मिनट में 10 मिनट में किसी को स्मोकिंग की आदत है, वह स्मोकिंग करता है तो अपने ऊपर ही परीक्षण करके देखे। वह सिनेमा घर में जाए, 3 घंटे की फिल्म देखता है, उसके मन पसंद की, तो क्या 3 घंटे उसको स्मोकिंग की तलब लगती है? जबकि घर पे वो हर 10 मिनट में उसे स्मोकिंग चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार आप जान गए होंगे कि वह 3 घंटे बिना स्मोकिंग के रह सकता है, और चाहे कैसा भी नशा हो वह 3 घंटे रह सकता है, तो 6 घंटे भी रह सकता है, पूरे दिन भी रह सकता है। इससे बाहर निकलने के लिए हम करें क्या? इसका अर्थ ये हुआ कि शरीर नशे की मांग नहीं करता है। मांग का दिशा निर्देश हमें मन से मिलता है, और मन जब भी हम थोड़ा सा भी शांत बैठे हैं तो मन में अनायास ही कोई एक अंकुर पैदा होगा, वो सोचेगा, नशे के बारे में सोचते ही उसे कमांड मिल जाएगी और वह मन में इस बात को लेकर के तीव्र विचार पैदा करने लग जाएगा, और तीव्र विचार पैदा करते ही उसे नशा करना पड़ेगा। वास्तविक सत्य है। इससे बाहर निकलने के लिए दोस्तों हमें मन की कमांड को बदलना होगा। उसे हम इस प्रकार की कमांड देंगे कि वह नशे के बारे में सोचेगा ही नहीं, तब आप बिल्कुल नशा छोड़ पाएंगे। मैं आपको एक श्लोक बता रहा हूं दोस्तों, येन केन अपि उपायेन कालाति वाहनम समृतम व्यसनैर इही मूर्खाणाम बुधानाम शास्त्र चिंतनई। बहुत ही प्यारा श्लोक है। अब इसका जब तक आप हिंदी अनुवाद नहीं जानेंगे तब तक नशा नहीं छूटेगा। अब हिंदी अनुवाद जब जान जाएंगे और जब भी इस श्लोक को पढ़ेंगे नशा आपका पीछा नहीं करेगा। येन केन अपि उपायेन, किसी भी प्रकार से कालाति वाहनम समृतम, काल का चक्र तो निकल जाएगा, यानी समय तो व्यतीत हो जाएगा किसी भी तरीके से, समय को तो व्यतीत होना ही है। येन केन अपि उपायेन, किसी भी उपाय से समय तो व्यतीत हो जाता है दोस्तों, पर मूर्खों का समय व्यसन में व्यतीत होता है। व्यसनैर इही मूर्खानाम बुधानाम शास्त्र चिंतनी, और बुद्धिमान व्यक्तियों का समय शास्त्र चिंतन में गुजरता है। बस दोस्तों, इस अर्थ को याद कर लेना, इस श्लोक को याद कर लेना। किसी भी व्यक्ति को, पास बैठने वाले को जिसमें यह अवगुण है, उसे यह बार बार में सुनाया जाए, या जिसमें स्वयं में यह अवगुण है तो स्वयं पढ़ लिया जाए, बहुत अच्छा प्रभाव दिखाता है। कब पढ़ें? जब भी आपको नशे की तलब आए
अपने मुख को अच्छी प्रकार से धोएं, हाथ में जल लेकर ओम श्री नारायणाय नमः, दूसरी बार थोड़ा जल डाल करके ओम श्री गोविंदाय नमः, तीसरी बार जल डाल के थोड़ा ओम श्री केशवाय नमः, तीन बार आचमन करके इस मंत्र को पढ़ लेना, इसके अर्थ को भी पढ़ लेना, तीन बार पढ़ लेना, तीन बार ही अर्थ को पढ़ लेना। दोस्तों आप करके देख लेना, धीरे धीरे करके नशा विलुप्त होने लग जाएगा, आपके पास आएगा ही नहीं, नशे की आदत ही आपके पास ही दस्तखत ही नहीं देगी। बहुत अच्छा प्रयोग है। अब ये कितनी बार पढ़ें, अब जब भी थोड़ी देर में फिर नशे की आदत हो तो फिर ये प्रयोग कर लें, फिर नशे की आदत थोड़ा मन मांगता हो तो फिर ये प्रयोग कर लें। दोस्तों करेंगे बिल्कुल नशे से विरक्त हो जाएंगे। अच्छा लगता है अपने यार दोस्तों को बता देना। आपके लिए सिर्फ इतना है। आपका यह वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।